हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक एकेडमी। आई होप आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, बिकॉज आई एम श्योर मेरे वीडियोस आपके बच्चों के स्टडीज में बहुत हेल्पफुल होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एंगल्स। बेसिकली वी वांट टू लाइंस टू फॉर्म एन एंगल, बट सपोज देयर आर टू लाइंस, बट दिस टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, सो दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ यू वॉन्ट एन एंगल, वी वॉन्ट द लाइन दैट इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर हमें कोई भी एंगल फॉर्म करना है तो हमें चाहिए कि वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी चाहिए, लाइक दिस। हम इसे नेम दे देते हैं ए बी सी। ओके, वी हैव एन एंगल ए बी सी, बट दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, सो वी नेम दिस एंगल एज एक्यूट एंगल। When angle is less than 90 degree, we name them as acute angle. Then we have second type of angle, that is right angle. Right angle form 90 degree and we show right angle like this and another angle like a curve. Okay. Then we have another type of angle, that is obtuse angle. When an angle is more than 90 degree, we call it as obtuse angle, when angle is more than 90 degree. Here we have angle less than 90 degree, that is acute angle. Here we have angle more than 90 degree, we call it as obtuse angle. Okay, now we have another type of angle, that is straight angle. When two lines intersect like this, that they form 180 degree angle, so we call it as straight angle. Straight angle, okay, because the lines are totally straight. Okay, then we have another type of angle, when lines intersect like this. Okay, when angle is more than 180 degree but less than 360 degree. Angle is more than 180 degree but less than 360 degree. We call it as reflex angle. Okay, ज़्यादातर kids एक mistake कर देते हैं, इसको ऐसे भी count कर लेते हैं, तो फिर ये एक obtuse angle हो जाएगा, but ये mistake हमें नहीं करनी है। मैं आपको explain करती हूँ। Suppose we have one angle like this. इट इज एन ऑप्टूज एंगल। तो हम प्रोटेक्टर जब ऐसे रखते हैं, बहुत सारे किड्स से ये मिस्टेक हो जाती है, वी हैव जीरो फ्रॉम 180 डिग्री एंड जीरो फ्रॉम 180 डिग्री। रिवर्स में प्रोटेक्टर में नंबर्स दिए रहते हैं, बट बहुत सारे किड्स क्या कर लेते हैं, कभी कभी जीरो यहां से स्टार्ट कर देते हैं, कभी कभी जीरो यहां से स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जब प्रोटेक्टर रखते हैं, जो लाइन हमको दी हुई है वो एग्जैक्टली उसके ऊपर आपको रख के प्रोटेक्टर को लेना है, तो आपको प्रॉपर एंगल मिलेगा। अगर आपने देखा है कि मेरी फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड लाइन ये है, तो फर्स्ट लाइन से आपको जीरो काउंट करना है, 0, 10, 20, 30, 40, जो आपको आपका एंगल आ रहा है वो आपको काउंट करना है, ना कि आपको अपोजिट साइड का एंगल काउंट करना है, उसमें मिस्टेक हो जाएगी। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप के एंगल पे। ओके, देन वी हैव अ जीरो एंगल। जीरो एंगल मींस लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड होती है, वो कोई एंगल फॉर्म नहीं करती, उसे हम कहते हैं जीरो एंगल। वी हैव वन मोर टाइप ऑफ एंगल, दैट इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल और जीरो एंगल में डिफरेंस ये है, लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करती है, बट यहां पर लाइन रोटेट होके 360 डिग्री के बाद उसको ओवरलैप करती है, सो ये बन जाता है हमारा कंप्लीट एंगल। ओके, आई होप यहाँ पर ऑल टाइप्स ऑफ एंगल कवर हो गए हैं, बट मैं आपको एक और बात बताती हूँ एंगल से रिलेटेड, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल। व्हेन वी हैव टू एंगल्स, सपोज वी हैव हियर 30 डिग्री एंगल एंड हियर 60 डिग्री एंगल, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, वी कॉल इट एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। व्हेन द सम ऑफ टू एंगल is 90 degree, we call them angle as a complementary angle. And when the sum of
two angle is 180 degree, we call it as supplementary angle. Okay, finally sum it up. When two lines are parallel, they do not intersect each other, they does not form any angle. When angle is less than 90 degree, it's form an acute angle. When angle is totally 90 degree, it's a right angle triangle. When angle is more than 90 degree, it's an obtuse angle. When angle is 180 degree, we call it as straight angle. When angle is more than 180 degree but less than 360 degree, we call it as reflex angle. When there is no angle formation between two lines, we call it as zero angle. When there is an complete rotation turned by one line and one is straight, it forms 360 degree, we call it as complete angle. Sum of two angle, if is it 90 degree, we call that two angles is complementary angle. When the sum of two angle is 180 degree, we call that two angle as a supplementary angle. I hope aapko angle se related sare doubts clear ho gaye ho. If you like it, then like my channel. Please subscribe my channel. Thank you.